नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे अपन अभी पीडियाट्रिक्स की टर्मिनोलॉजीज की। अपन बात करेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जो अपने को आगे काम आएंगे, अपन आगे पढ़ेंगे तब पीडिया को, तो वो टर्मिनोलॉजीज अपन अभी देखेंगे कि कौन कौन से शब्द अपने काम आएंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, न्यू बॉर्न की बात करते हैं। न्यू बॉर्न का मतलब होता है जो अभी अभी जन्मा हो। जी हाँ, तो जो शुरू के 7 दिन तक होते हैं, जन्म से लेके 7 दिन तक के जो टाइम होता है उसको अपन न्यू बॉर्न का न्यू बॉर्न बोलते हैं। जी हाँ, वो तब तक बच्चे को न्यू बॉर्न बोलेंगे। इसके बाद जो नियोनेट है वो भी सेम ऐसे ही होता है। नियोनेट जो होता है वो शुरू से लेकर 28 दिन तक, लगभग 1 महीना जो है उसको अपन नियोनेट बोलते हैं। तो इसके आधार पे नियोनेट को क्या है कि दो भागों में डिवाइड किया, तो पहला जो है वो अपन ने कहा कि अर्ली नियोनेट होता है, और अर्ली नियोनेट जो होता है वो 1 से लेकर 7 दिन तक जो टाइम होता है उसको अर्ली नियोनेट बोल देते हैं, और लेट नियोनेट जो होता है वो होता है 8वें दिन से लेकर 28वें दिन, मतलब 7 दिन के बाद का जो टाइम होता है वो अपन लेट नियोनेट, मतलब न्यू बॉर्न को अपन अर्ली नियोनेट बोल देते हैं। जी हाँ, इसके बाद जो अगला जो टर्म है अपना, यह है लाइव बॉर्न। जी हाँ, लाइव बॉर्न मतलब जिंदा जन्म, मतलब जीवित जन्म मान सकते हैं इसको अपन। जी हाँ, तो इसमें क्या है कि आफ्टर एग्जिट्स द मेटरनल बॉडी, कि माता के शरीर से बाहर आने के बाद। जी हाँ, या फिर अपन इसको ये भी समझ सकते हैं कि वो एम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह हट जाए उसके बाद फीटस शोज एनी साइन ऑफ लाइफ। तो ऐसे कुछ जीवित रहने के सिग्नल अपने को देता है, साइन चिन्ह अपने को बताता है, जैसे पल्सेशन ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, मूवमेंट ऑफ वॉल्यूंट्री मसल, या फिर अपन कहें हार्ट, हार्ट बीट वगैरह। तो ये सब जो चलती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो शिशु है वो जीवित है। जी हाँ, अगला जो अपना पॉइंट है वो है स्टील बर्थ। स्टील बर्थ का मतलब क्या होता है कि डिलीवरी आफ्टर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ ए बेबी हु हैज़ डाइड, कि 20वें मंथ के बाद की जो भी जो डिलीवरी है, मतलब कहें कि जो 20वें सप्ताह में जो है जिसकी डेथ हो चुकी हो उसकी अगर अपन कहें डिलीवरी हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे कि उसको अपन स्टिल बर्थ कहते हैं। जी हाँ, तो इसके बाद इसकी अपन बात करेंगे, स्टिल बर्थ को क्या अपन लेट फिटल डेथ भी बोल देते हैं। स्टिल बर्थ को लेट फिटल डेथ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा जो होता है वो 20 वीक तक की उसकी जो गेस्टेशनल एज है वो मतलब 5वें सप्ताह में, 5 महीने मान लो, लगभग 5 मंथ हो जाएंगे इसके, अगर हम 1 महीने की 4 वीक लेके चले तो 5वें मंथ में आएगा, तो नो डाउट जीवित नहीं रहेगा वो, डेथ ही रहे, डेड आएगा, जो फीटस है वो डिलीवरी होगी वो डेड फीटस रहेगा, लेकिन उसको अपन बोलेंगे कि लेट फीटस डेथ बोलेंगे, स्टिल बर्थ जिसको अपन बोलते हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन बोलेंगे कि गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज किसको बोलते हैं, तो गेस्टेशनल एज बोलते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो लास्ट जो मेंसेज आई हैं उसके बाद का जो टाइम होता है वहाँ से लेकर डेट ऑफ बर्थ, जब तक बच्चे का जो जन्म हो रहा है वहाँ से लेकर के जो टाइम होता है, तो अपन मेंस्ट्रुएशन जो है साइकिल बंद हुई, इसका मतलब अपन ने ये समझा है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है, और साहब फर्टिलाइजेशन हुआ है तो अपन समझते हैं कि जायगोट बना है, और जायगोट बना है तो इम्प्लांट हुआ है, और इम्प्लांट होने के बाद में अगर स्टिल बर्थ भी अगर होती है तो भी गेस्टेशन पीरियड तो शुरू हो जाता है यहाँ से, तो उसके बाद जिस दिन बर्थ होती है, जिस दिन बर्थ होता है तो वो जो है उसको अपन गेस्टेशन एज बोलते हैं। जी हाँ, इसमें जो गेस्टेशन एज का आधार पे जो है वो 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, कि अगर थोड़ा पहले हो जाए तो प्री टर्म हो जाता है, टाइम पे हो तो फुल टर्म होता है, और पोस्ट टर्म डिलीवरी हो तो वो ज़्यादा मतलब हो जाता है, पोस्ट टर्म हो जाता है या फिर ज़्यादा टाइम लेता है। जी हाँ, तो अपन जो नॉर्मल लेके चलते हैं वो फुल टर्म का हो जाएगा, 37 से लेके 41 वीक तक का अगर टाइम लिया जा रहा है गेस्टेशन में तो वो सही है, अगर इससे 37 से कम तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन प्री टर्म कहेंगे, 41 से ज़्यादा तो गेस्टेशन है जो 42 वीक्स, या फिर अपन कहें 41 से ज़्यादा तो इसको अपन क्या कहेंगे, पोस्ट टर्म कहेंगे। जी हाँ, अब अपन नेक्स्ट जो अपना पॉइंट ले रहे हैं वो है बर्थ वेट। बर्थ वेट का अपन लेके चलें कि बर्थ वेट से क्या संबंध है, तो क्या बोलते हैं बर्थ वेट, कि किस चीज को बोलते हैं, कि फर्स्ट वेट ऑफ बेबी विच शुड बी टेकन विद द विद इन द फर्स्ट आवर्स ऑफ लाइफ। जी हाँ, तो शुरुआती जो
टाइम होता है, शुरुआती कुछ घंटे होते हैं उनमें जो है बच्चे का देखते हैं अपन काफ़ी, मतलब वेट किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं बर्थ वेट बोलते हैं, जो सबसे पहले किए करते हैं। जी हाँ, तो बर्थ वेट के आधार पे जो है उसकी हेल्थ वगैरह भी देखी जाती है और इसमें डिवाइडेशन भी किया जाता है। तो अपने जो नॉर्मल वेट जो अपन लेके चलते हैं बर्थ का, तो वो अपन लगभग 2.5 किलो, मतलब 2500 ग्राम लेके चलते हैं। ये तो होना ही चाहिए, थोड़ा इससे ज़्यादा हो तो भी ठीक है, मतलब 2.5 किलो ज़्यादा होना चाहिए। जी हाँ, तो ये जो है ये नॉर्मल हो गया। अगर आप 2500 ग्राम से कम डिलीवरी होती है बच्चे की, तो इसको अपन बोलते हैं LBW, बोले तो लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट। जी हाँ, और अगर और भी जैसे 2500 से कम हो गया, 1500 तक रहा तो LBW में, 1500 से भी कम हो गया तो वेरी लो बर्थ वेट हो जाएगा। जी हाँ, तो और भी आप देखोगे बुक्स में तो VV, मतलब वेरी वेरी लो आ जाएगा, तो वो इतना ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन इसी के आधार पे देखते हैं कि ये जो अभी जो मॉडर्न जो अपन कहें पीडियाट्रिक्स है, तो इन्होंने क्या है कि ये अभी जो मतलब पहले हो जाती है प्री टर्म पोस्ट टर्म वगैरह जो भी हैं, उनके परसेंटाइल के आधार पे उनका वेट डिसाइड कर रखा है, तो ये जो है ये अपने को देखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो ये तीन नाम है, तो सबसे पहले जो नाम है वो है SFD, ठीक है। तो ये पहला है SFD, स्मॉल फोर डेट जिसको, इसको अपन बोलते हैं, और ये जो है ये प्री टर्म को ही बोल देते हैं वैसे तो। जी हाँ, तो इसको आप किसी किसी बुक में देखोगे SFD को, तो आपको SGA भी लिखा हुआ मिल जाएगा, स्मॉल फॉर, या फिर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज जिसको अपन बोल सकते हैं, गेस्टेशनल एज। जी हाँ, तो स्मॉल फॉर डेट क्या होता है, इसमें क्या बताया है कि अगर जो बच्चे की जो परसेंटाइल अगर हम लेके चले, तो 10 परसेंटाइल से अगर कम है, 10 परसेंट से कम है वेट टाइम से, तो वो जो है वो मतलब सही है, वो वेट उसके लिए शिशु के लिए होना चाहिए, वो भार जो है वो शिशु के लिए होना चाहिए, या फिर अपन कहें वेट होना चाहिए। जी हाँ, दूसरा है AFD, अप्रोप्रिएट फॉर डेट। तो अप्रोप्रिएट फॉर डेट की बात करें तो मतलब अप्रोप्रिएट मतलब सही है कि उसको बोलते हैं अपन जो फुल टर्म जिसको अपन बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो परसेंटाइल जो होते हैं वो होनी चाहिए 10 से लेके 90 परसेंटाइल तक जो है वो वेट जो है वो शिशु के लिए सही रहता है ना, परसेंटाइल तक। अच्छा, अब अपन बात करें लार्ज फोर डेट की बात करें, तो लार्ज फोर डेट में क्या होता है, जो 90 से ज़्यादा परसेंटाइल रहेगी, मोर देन 90 परसेंटाइल से ज़्यादा, तो वो जो बाहर जो होता है वो शिशु के लिए सही रहता है। जी हाँ, तो अब इसी प्रकार जब अपन ने देखा कि SFD को SGA बोलते हैं, तो आप देखोगे LFD को भी LGA बोल देंगे, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, या फिर अपन कहें कि लार्ज गेस्टेशनल एज, गेस्टेशनल एज। जी हाँ, तो ये अपन ने थोड़ी सी बातें की हैं टर्मिनोलॉजीज वगैरह की। इसके अलावा छोटी मोटी बातें अपन और भी देख लेते हैं कि एक होता है पोस्ट नेटल पीरियड होता है, प्री नेटल पीरियड होता है, ठीक है। तो प्री नेटल का मतलब ये होता है कि प्री नेटल बता देते, ये इजी है, ये पता रहता है अपने को। प्री नेटल का मतलब होता है कि प्री नेटल पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 22nd वीक ऑफ गेस्टेशन टू 7th डे आफ्टर बर्थ। मतलब प्री नेटल किसको कहेंगे अपन, कि जो 22वां दिन होता है गेस्टेशन का, 22वां वीक, जी हाँ, वहां से लेके 7वां दिन बर्थ के बाद। तो अपन ने एक बात की थी, 7वें दिन को अपन क्या बोलते हैं, न्यू बोर्न बोलते हैं 7 दिन तक। इसके अलावा अपन ने एक नाम और लिया था कि साहब अर्ली नियोनेट भी अपन बोलते, तो अर्ली नियोनेट तक की जो एज होती है
22वें वीक से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन प्रीनेटल बोलते हैं। उसी प्रकार अपन बात करेंगे पोस्टनेटल की, तो पोस्टनेटल की अपन जो बात करते हैं वो कुमार भृत्य में अपन देखते हैं कि जो जितनी भी एज होती हैं अपन ने छीरप छीरा नाद वगैरह ये सब पोस्टनेटल में आती हैं। तो पोस्टनेटल में अपन ने बात की कि जो नियोनेट का जो टाइम होता है ना, नियोनेट नाम खत्म हो जाता है कि साहब नियोनेट अब इसको नहीं कह सकते अपन, तो उसके बाद का जो टाइम होता है वहां से लेकर, मतलब कि नियोनेट नहीं है इसका मतलब 28वें दिन से कितनी, 1 साल तक, मतलब 1 ईयर अपन लिख सकते हैं। जी हाँ, तो इसको अपन जो है वो पोस्टनेटल में काउंट करते हैं। जी हाँ, इसके बाद उसके बाद अपनी जो एडोलसेंस एज आ जाती है तो उसमें भी अलग अलग रहते हैं, है ना, प्यूबर्टी वगैरह, तो ये सब जो है ये बाद के टर्म हो जाते हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे, छोटी सी अगर हम बात करें तो थोड़ी आयुर्वेद की भी कर लेते हैं यहाँ पे, हालांकि पता रहता है फिर भी अपन देखते हैं, एक टर्म देखते हैं अपन, शिशु। शिशु शिशु होता है अति से शयनेन इति शिशु, कि साहब जो बहुत सोता है, अति से शयनेन कि बहुत ज्यादा सोता है, तो उसको अपन अधिक शयन, तो शिशु अब जब देखें सोया ही रहता है तो इसलिए अपन उसको शिशु बोल देते हैं। इसके बाद बालक होता है, तो बालक जो टर्म होता है वो बल से बनता है, बालक जो टर्म होता है वो बल से बनता है, तो बालक को अपन बोलते हैं कि जो बालक की एज जो होती है उसमें बल ज़्यादा रहता है, या फिर अपन कहें कि बल का संचारण होता रहता है शरीर में। और एक टर्म आता है कुमार, तो कुमार का मतलब होता है कि कुमार यति क्रीड़यति, कुमार यति क्रीड़यति, कि कुमार की उम्र जो होती है वो क्रीड़ा करने की होती है, खेलने की होती है। तो ये सब बातें जो अपन ने देख ली है, ये छोटे मोटे टर्म है, इतने आते नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी निरुक्ति वगैरह या फिर अपन नॉर्मली पूछ लेते हैं तो इतना नहीं है। इसके बाद इतना ही है टर्मिनोलॉजी में, तो और मैं अभी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखना कोई PDF वगैरह मिल जाएगा शायद इसके लिए, टर्मिनोलॉजीज के लिए, तो वहाँ से पढ़ना आसान रहेगा, इनमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। फिर भी कोई रिक्वेस्ट आई हुई थी तो बता दिया कि टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं, तो और कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ भी अगर आपको लगे कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है, समझ में कम आ रहा हो, तो आप ज़रूर बताएं, अपने सुझाव जो है वो अवश्य दें, सुझावों की आवश्यकता रहती है, उससे थोड़ा प्रोग्रेस भी होती रहती है और थोड़ा मतलब रेगुलर जो है स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहें, ये नहीं कि लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे हैं। जी हाँ, ओके, धन्यवाद, जुड़े रहें।